दोस्तों, ये प्राचीन सुले जी हैं जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आए हैं, जिनको आईटीपी की परेशानी हो गई, इनका प्लेटलेट काउंट कम हो गया। इनको कोविड हुआ था 2020 में, उसके बाद इनका प्लेटलेट काउंट कम हो गया। उसके बाद इनको कमजोरी होने लगी, डर बैठ गया मन में और चक्कर आने लगे, और प्लेटलेट भी बार बार जाँच कराने में कम हो गया। यहाँ पर ये इंदौर में होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आए थे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो हम इनका आज से स्टार्ट कर ही रहे हैं। अभी हमने इनको छोटा सा एक प्रयास किया पंचकर्म का, जिसको शिरोधारा बोलते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि प्राचीन सुले जी को कब से क्या क्या परेशानी हुई, और अभी शिरोधारा के बाद इनको कैसा महसूस हो रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एनर्जी कैसा लग रही है, तो उन्हीं से जानते हैं। जी प्राचीन जी, कब से आपको क्या क्या परेशानी हुआ? जी सर, मुझे ना सितंबर से मतलब ये समस्या स्टार्ट हुई है। मतलब जी सितंबर में मुझे कोविड हुआ था। जी 21 सितंबर को मैं जांच किया था, उससे मेरा रिपोर्ट आया था, रैपिड टेस्ट किया था, उससे मेरा पॉजिटिव हुआ था। ओके फिर जो गवर्नमेंट रहते हैं उन्होंने फिर जी मेडिसिन दिया, ठीक है दो तीन प्रकार का मेडिसिन लिए, जी उसको लिया मैं कंटिन्यू 7 डेज। ठीक है 7 डेज लिया तो वो तो फिर 10 या 13 13 14 दिन बाद जी मैं टेस्ट करने गया, फिर तो फिर निगेटिव आया। ओके हाँ पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव आया था, नेगेटिव आया था। जी तो उसके बाद फिर मुझे वीकनेस आने लगे। जी हाँ वीकनेस मेरी मतलब 1.5 महीना तक वीकनेस रहा मुझे, 1.5 महीने तक। 1.5 महीना वीकनेस रहा। जी मतलब तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर तक हाँ, आपको तो मैं वीकनेस डॉक्टर से बात किया तो बोले तो 1-2 महीना रहते रहे, आप खाने में थोड़ा ध्यान दीजिए, जी रूटीन दीजिए तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर मुझे हुआ ही नहीं, मतलब तब से वीकनेस लगा था, खान पान में अच्छा था, सब चीज किया। फिर गया डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। डॉक्टर ने सब चीज चेक किया और टेस्ट भी किए, बहुत सारे टेस्ट किए, जी तो उसमें वो मेरा सीबीसी चेक किए, तो जी सीबीसी में हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी आरबी सब चीज बढ़िया था, उसमें से मेरा प्लेटलेट कम तो डाउन हो गया था। जी तो उस समय मेरा प्लेटलेट आएगा नहीं, कम नेक्स्ट स्टार्टिंग में वो, ये बात थी दीपावली के समय की बात थी, जी दीपावली के नॉर्मल 10 10 15 दिन पहले। नॉर्मल हाँ जी तो प्लेटलेट डाउन हो गया। तो फिर तभी से डॉक्टर से दिखाया था, डॉक्टर नॉर्मल एंटीबॉडी वगैरह जो भी मेडिसिन दी है जी और कैरी का मोबाइल जो मेरी जहाँ था जी जी वो दी, जी तो उसका क्या 10 15 दिन ऐसा था। जी फिर दोबारा डाउन हुआ, जी फिर वो दूसरा डॉक्टर को दिखाया तो वैसे मेडिसिन चलता था, फिर डाउन होता था। जी फिर बताया कि आप हीमोटोलॉजिस्ट के पास जाइए, जी तो हीमोटोलॉजिस्ट के पास गए, उनको दिखाया तो बोले कि आपको, उन्होंने भी दुनिया भर की चेक किए, जी बोन जी मैरो किया, उसमें जी बायोप्सी किया, जो भी एचआईवी वगैरह जो भी टेस्ट, काफी सारे टेस्ट किए, जी जी तो उसमें कुछ नहीं निकला, बाकी सब जी नॉर्मल था। जी तो फिर डॉक्टर बोले कि आपको आईटीबी बीमारी बोले, जी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो मतलब तो मुझे 10 दिन है। हाँ 10 दिन एडमिट रहा वहाँ पे, जो भी मल्टीविटामिन जो भी मेडिसिन चलती थी और मुझे बोतल चढ़ाते थे सलाइन वगैरह, जी, तो उसमें क्या 2 बार मुझे इंजेक्शन भी लग गया है रोमिक का, जी जो मतलब आपका 5 डेज के बाद वो काम करता है प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, तो उससे मेरा प्लेटलेट बढ़ जाता था थोड़े समय के थोड़ा समय के लिए। जी तो फिर 10 से 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर के पास जाता मैं कंटिन्यू, मतलब ऐसे समथिंग समथिंग में मिनिमम 4 बार राउंड लगा चुका हूँ डॉक्टर के पास जाके, जी जी जाता था फिर इंजेक्शन लगाता, और डॉक्टर बोलते कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेडिसिन देते थे और वो देता था, तो उसमें कुछ मुझे असर देता था। तो फिर मैं आपका कुछ फिर ऐसे में सर्च किया यूट्यूब में कि पेट रिलेटेड क्या क्या लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर आपका वीडियो देखा तो मुझे आपके काफी सारे वीडियो देखा हूँ, आपको सब्सक्राइब भी किया होगा, फॉलो भी किया होगा, तो उसमें मुझे काफी राहत मिला, हौसला मिला कि इसको आप अपने को कुछ ना कुछ सही राह मिल गया, सही रास्ता मिल गया, अपने को इलाज मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं ये दो महीने सोच रहा था, लेकिन क्या सिचुएशन बहुत टफ थी, अभी बीच में लॉकडाउन हो गया था और कोरोना का ज्यादा ही केस आना स्टार्ट हो गए थे, तो उसके चलते मैं आया नहीं। तो फिर अभी बोला मैंने उनको अभी अभी जाना ही है, क्योंकि अब लेट करेंगे तो अपने को सिचुएशन बढ़ती जा रही है ना, फिर मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर 10 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर आपका वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा, तो मैं सर के पास आया, और सर का जो भी अभी जो भी ट्रीटमेंट है उनके बात करने का नेचर, मतलब उनकी बातों से लग रहा था कि बीमार आदमी ठीक हो जाएगा, जी ऐसा लग रहा था। अभी जो भी सर ने सिरोधारा से कैसा लगा? सिरोधारा किया, उसमें कुछ उन्होंने जो पंचकर्म है तत्व मिलाए थे उसमें, जो दूध है और मुझे तो पता नहीं था, मेरे आंखों में जो पट्टी थी तो उससे मुझे काफी रात में रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि मैं रात से भी सोया हूँ, क्योंकि मैंने छोटे से सफर किया हो, तो
आपको भी अगर कोविड के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989287 या फिर मोबाइल पे लगा सकते हैं 9826042287। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इंदौर में ऐसा सेंटर डेवलप किया है जिसमें हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, नेचुरोपैथिक डॉक्टर, योगा के लिए डॉक्टर और साइकेट्रिक की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर है। तो हम लोग होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं और पूरे कोविड काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को आराम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतना कठिन दौर है जैसा प्राचीन जी बता रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है, सबको डर लगता है, हमको भी बीमारी से डर लगता है, फिर भी हम लोगों के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम डर पर जीत हासिल करें और होलिस्टिक ट्रीटमेंट अपनाएं। आप इसी तरीके से हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें और किसी भी परेशानी के लिए हमको कॉल करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।